वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐलान और रहम की बीमारी में जो खून आता है मुसलसल, उसको इस्तिहादा खून कहते हैं। ये इस तरीके से समझ लीजिए, जो खून 3 दिन से कम हो या 10 दिन से ज़्यादा हो, निफास की हालत में 40 दिन से ज़्यादा हो या आदत के खिलाफ आए, तो उसको इस्तिहादा का खून कहा जाता है। इसके अंदर नमाज जो है माफ़ नहीं है। ऐसी औरत माजूर के हुक्म में है। जो खून आता है, अगर ये इतने तसलसल से आता है कि इसमें एक नमाज का वक्त भी नहीं पाता पाया जाता कि पाक हो जाए, तो ऐसी हालत में वुज़ू करें हर नमाज के वक्त के लिए, उसी वुज़ू से नमाज पढ़ती रहें। और ऐसी औरत जो है माजूर के हुक्म में है, इसके लिए ये चीज़ नापाक भी नहीं मानी जाएगी, उस पर हुक्म नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर उस पर कभी कभी आ रहा है, कभी इत्तेफाक से, तो कपड़ा भी उससे नापाक होगा, क्योंकि नापाक मादा है, उसे धोना पड़ेगा और नमाज तो है ही, पढ़नी ही पड़ेगी।